अस्सलाम वालेकुम। तो जी वेलकम यू ऑल टू माई अनदर ब्लॉग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो एकदम फिटफाट होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, इसलिए हम इतनी सुबह सुबह उठ गए हैं। और ये देखें आपको भी पूरा हाल है, नींद नहीं पूरी हुई भी। तो अभी हमने कुछ पैकिंग करनी है, चीज़ें समेटनी हैं, तो पैकिंग करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो 7:30 तक जो है वो बस स्टेशन पर पहुँचना है। तो हमें देर हो रही है, तो जल्दी से हम लोग पैकिंग कर लेते हैं। तो जी जल्दी से हम लोग अपनी चीज़ें जो है वो पैक करेंगे। सबसे पहले हमने पानी डाला और ये हमारे मेकअप मेकअप का सामान है जी, तो ये भी हमने डाला। और इसके बाद ये जी हम एक्स्ट्रा जूते भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमसे वहाँ चलने नहीं होना है, इससे तो इस वजह से हमने जूते शूते के साथ। तो जी सारा सामान हम डाल चुके हैं और अब हम बैग को करेंगे पैक। और ये बंद ही नहीं हो रहा, चलो हम इसको बंद करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आपसे मिलते हैं बस स्टेशन पर। तो जी हम लोग जो है वो फाइनली पहुंच चुके हैं बस स्टेशन के पास। बस स्टेशन क्या, यूनिवर्सिटी के आगे बस खड़ी है, तो पता नहीं आज क्या होगा। खैर हम लोग पहुंच चुके हैं, हमें देर हो गई, हमने 7:30 पर पहुँचना, थोड़ा 8 बजने लगे हैं। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं, हम बस पर बैठते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं। और ये जी हमें हमारी रिफ़्रेशमेंट मिली है, छोटी सी रिफ़्रेशमेंट। डेढ़ बजे आके यहाँ पहुँचे हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें देर हो गई है। तो अब हम लोगों को जो है वो दिखाते हैं कि क्या हालात है यहाँ पे। अभी हमने काफ़ी नीचे उतर के जाना है और सोच के ना हमें बड़ी टेंशन हो रही है। रास्ता जो है वो काफ़ी खौफनाक लग रहा है, पता नहीं हम लोग कैसे जाएंगे। और अभी यहाँ पर सारे स्टिक्स ले रहे हैं, हमने बहुत दूर जाना है और रास्ता बहुत बुरा है, रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमें चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो लोग हमें डरा रहे हैं, कहते हैं कि घंटा जाने में लगेगा तो 2 घंटे आने में लगेंगे, तब देखते हैं कि फिर क्या होता है। जैनब आपको कैसा लग रहा है आगे? अच्छा। आपको कैसा लग रहा है आगे, आप मुझे ऐसे बता दें। मुझे कैसा लग रहा है? जी जी मुझे लग रहा है कि मैं सोच रही थी मैं आपसे। जोया की स्पीड देखे आप लोग, जोया कितनी तेज चल रही है। जैसे जितना लोग डरा रहे थे उतनी तो बात नहीं है, मतलब काफी आगे तक हम आ गए। अब ना जाने आगे क्या हालात होंगे, कुछ लोग तो याद है रास्ते से वापस भाग के जा रहे हैं कि रास्ता जो है बहुत मुश्किल है। तो आगे चलते हैं फिर देखते हैं कितना रास्ता, वैसे भी काफ़ी रहता है। ज़रा तुम लोग सारे काफ़ी आवाम आई हुई है। जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए यहाँ घोड़े भी दस्तयाब हैं, जो लोग बड़े वीक बीपी डाउन होने वाले तो उन लोगों के लिए अच्छा। जो है वो घोड़ा मौजूद है, इस पे बैठ के। तो वो फाइनली जी ये देखिए हमें अम्ब्रेला वाटरफॉल नजर आ गई और अब हमें उम्मीद है कि हम जो है वो पहुँच जाएंगे। अभी भी काफी रास्ता बाकी, कोई बात नहीं। लोग सर आप अपने सीआर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने इतनी हेल्प की है? बहुत अच्छे सीआर, तो आप सीआर को क्या अवार्ड देंगे? देखिए वो आपको लेके चल रहे हैं, आपसे चलने भी नहीं हो रहा था।
फिर यार मुझे खाना खिलाएगा उसके लिए ये रिवॉर्ड है। अच्छा वो आपको खाना खिलाएगा तो ये उसका रिवॉर्ड है। और आप बताएं आपको कैसा लग रहा है इधर आके? अच्छा वैसे मैंने सुना था कि रास्ता ना बहुत मुश्किल है और यहाँ आना सही नहीं है, लेकिन मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा, शायद हम कश्मीर से हैं तो इस वजह से मुझे तो आसान लग रहा है, हम पहुँच भी गए। ये इधर से दो रास्ते इस साइड से जो है वो रस्सी खींच के नीचे जाना पड़ता है, तो इस वजह से हम इधर से नहीं जा रहे, हम लोग इस साइड से जाएंगे क्योंकि हम रस्सी खींच के नहीं जा सकते। और शुक्र से हम पहुंच गए हैं, वो थोड़ा सा रास्ता रह गया बस, आवाम काफ़ी इंजॉय कर रही है। फाइनली हम लोग नीचे वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं, मगर हमें लोगों ने कहा कि आप यहाँ से वापस चले जाएं क्योंकि यहाँ पे आग लगी है, कोई कल फिर से लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप लोग चले जाएँ, मगर अब हम आए हैं तो जा नहीं सकते, और अगर मौत यहीं लिखी हुई तो हम टाल नहीं सकते। काफ़ी सारी चढ़ाई चढ़ के मैं आ चुकी हूँ, ओह थक गई हूँ बहुत, और अभी काफ़ी रास्ता बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह से सेफली हम घर जा रहे हैं, अल्लाह आगे भी खैरियत से बचाए, तो अब हम घर की तरफ लौटते हैं। सबसे ऊपर किसका हाथ? किसी इंसान का ही सबसे ऊपर किसका हाथ? किसका? बिलावल का। सबसे ऊपर किसका हाथ? नवाज शरीफ। सबसे ऊपर किसका हाथ? ये गर्दन वाला सबसे ऊपर किसका हाथ? और अब हम एंड में खाना खाएंगे, जो कि हमें काफ़ी भूख लगी है, पूरे दिन से हम भूखे नाश्ता भी नहीं करके आए थे, तो हम खाना शाना खाते हैं और फिर उसके बाद घर चलते हैं। आज हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और इसी के साथ अब हम करते हैं अपने व्लॉग को एंड। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।